करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कोविड की इस महामारी के समय राजस्थान की सरकार ने आगे बढ़ करके जो निर्णय लिए उसकी आज सब जगह पूरे प्रदेश में आमजन में एक अच्छा संदेश है। जैसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो निर्देश दिए गए उसके तहत कल जालौर और सिरोही जिले की बैठक वहां के जिला कलेक्टर के साथ आयोजित की गई। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन दोनों ही जिलों में प्रवासी जालौर और सिरोही दोनों ऐसे जिले हैं जहां बड़ी संख्या में लोग देश के अन्य राज्यों में रहते हैं, और पिछले दिनों जब आवागमन की छूट दी गई थी उस समय हमारे जालौर जिले में करीब 26,000 से भी ज्यादा लोग आए और सिरोही जिले में 33,000 के करीब प्रवासी हैं जो जिले में आए हैं। तो मेरा चिकित्सा मंत्री जी से भी आग्रह रहेगा कि अभी वर्तमान में सिरोही के जो सैंपल्स हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय वो जोधपुर में उनकी कोविड की जांच की जाती है, और हमारे जालौर के जो कोरोना के जो सैंपल्स हैं उनकी पाली में जांच की जाती है, और इसमें समय ज्यादा लग रहा है। मेरा आग्रह था वहां से जो फीडबैक है उसके अनुसार, क्योंकि इन जिलों में प्रवासी ज्यादा आए हैं, इन जालौर और सिरोही दोनों ही जिलों में राजस्थान में सर्वाधिक प्रवासी इन दोनों जिलों में आए हैं, तो यहाँ जांचें ज्यादा करवाई जाए और जो पाली में जो जांच की सुविधा दी गई है उसको जब तक जिला मुख्यालय में शुरू नहीं की जाती तब तक पाली में जांच की जो सुविधा है उसको बढ़ाया जाए। दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रवासी लोगों को अभी भी बड़ी संख्या में प्रवासी हैं जो देश के कई राज्यों में अभी फंसे हुए हैं, उन लोगों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है ट्रेन के माध्यम से उन लोगों को लाने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने खुद के साधनों से या उनके जो परिजन हैं जो जिलों में रहते हैं वो कह रहे हैं कि हम बस भेज करके यदि हमें जिला प्रशासन अनुमति दे दें तो निजी वाहन या बसें भेज करके हम उनकी लिस्ट जिला कलेक्टर को दे सकते हैं और उसकी अनुमति यदि मिल जाए हमें तो हम बेंगलोर से दिल्ली से या मुंबई आदि जहां भी लोग रह रहे हैं तो उनको यहां से बस जाकर के, क्योंकि वहां उनको बसें मिल भी नहीं रही है और मिल रही तो वो बहुत महंगी मिल रही है, उसमें आप आरटीओ या एसडीएम के माध्यम से अनुमति यदि दें तो बसें अपने स्तर पर लोग ले जाने के लिए तैयार हैं। दूसरा महानरेगा का जो कार्य है वो सिरोही और जालौर में राजस्थान में जो सर्वाधिक श्रमिक जहां लगे हुए हैं तो इन दोनों जिलों में भी बहुत अच्छी संख्या में श्रमिक यहाँ कार्यरत हैं और अप्रैल तक का महानरेगा का भुगतान भी श्रमिकों का कर दिया गया है और श्रमिकों की जो एवरेज रेट है वो भी बहुत अच्छी है। सिरोही में 199 रुपए प्रति श्रमिक और जालौर में भी औसत 185 रुपए प्रति श्रमिक के हिसाब से भुगतान भी किया गया है। चूंकि प्रवासी ज्यादा है अधिक श्रमिकों का समायोजन के लिए नए कार्य खोलने के लिए भी हमने जिला कलेक्टर को निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री महोदय माननीय समर्थन मूल्य पर खरीद के केंद्र आपके दिशा निर्देश में खोले गए हैं और जो ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से भी जो केंद्र खोले गए उनमें भी अधिकांश में खरीद चालू कर दी गई है। जहां नहीं हुई है वहां आने वाले 2-3 दिनों में कर दी जाएगी, पर लोगों की ये मांग है कि फसल इस बार हालांकि टिड्डियों के प्रकोप से एक बार जालौर जिले में ये माहौल बन गया था कि फसल कम होगी, रिपोर्ट इस तरह से भेज दी गई कि फसल कम होगी, लेकिन फसल बंपर हुई है, अच्छी पैदावार हुई है। तो लोगों की ये मांग है कि इस खरीद का दायरा बढ़ाया जाए। एक दो पॉइंट में और निवेदन करना चाहूंगा कि टैंकरों से परिवहन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और पाइपलाइन और नई मोटर आदि खरीदने के लिए ट्यूबवेल ठीक करने के लिए भी नई मोटरें खरीद भी ली गई है जिला कलेक्टर के द्वारा पीएचडी के अधिकारियों के माध्यम से। खाद्य सामग्री एनएफएसए का पूरा लाभ इन दोनों जिलों में मिल रहा है, भामाताओं के द्वारा भी अच्छा सहयोग दिया जा रहा है। अल्टीमेटली सर ओवरऑल इन दोनों जिलों में पहले लंबे समय तक जालौर और सिरोही में कोई भी पॉजिटिव नहीं थे, लेकिन पिछले दिनों इन दोनों ही जिलों में पॉजिटिव कुछ पेशेंट्स आए हैं। तो मेरा पुनः निवेदन रहेगा कि इन दोनों जिलों में चूंकि प्रवासी ज्यादा आए हैं तो जांचें ज्यादा करवाई जाए और आपके नेतृत्व में जालौर और सिरोही का जो
जिला प्रशासन है, पुलिस है, चिकित्सा विभाग है, सभी बहुत ही तत्परता से कार्य कर रहे हैं। और मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि राजस्थान में दोनों ही जिलों में बहुत ही ठीक स्थिति है और आपके दिशा निर्देश में हम सब लोग पूरा कार्य करेंगे। टीम राजस्थान पूरा अच्छा कार्य कर रही है।